गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पार्ट 2, लाकी चूड़िया, पेज नंबर 6। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वह एक मुंगेरी होती है, यानी बेलनाकार जो होती है, उसमें वो लाक की चूड़ियों को ऐसे डालता है, उसका आकार गोल करने के लिए, और फिर उन पे रंग चढ़ाता है। ठीक है, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया यानी कि ऐसे चारपाई के जैसे होता था, तो उस पर बैठ के ये काम करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता, बीच बीच में वह हुक्का पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता, गांव में वो अधिकतर जो है बदलू के पास बैठा रहता। लेखक, वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। वह लेखक को क्या कहता, बदलू लल्ला, और उसके पहुंचते एक छोटी सी मछिया चारपाई उसके बैठने के लिए मंगवा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता, लगभग रोज ही वह कितने जोड़े, 4 या 6 जोड़े। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। वो क्या देख रहा है, उन चूड़ियों को बनाने के बाद उस बेलन पर चढ़ा देता गोलाकार देने के लिए, तो उसको ऐसे लगता है कि वो हाथ बेलन जो है एक नववधू यानी नई नई दुल्हन का हाथ है, ऐसा लग रहा है। बदलू मनिहार था, मनिहारी जो मतलब ऐसे चूड़ियाँ बनाने का वगैरह ऐसे काम करते उनको मनिहार बोलते हैं। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी परंपरा से चला आ रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका एक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत ही अधिक थी। खपत अधिक मतलब उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ऐसे सब लोग बहुत पसंद करते थे, महिलाएँ ज़्यादा, तो उसकी बिक्री भी अच्छी होती थी। उस गाँव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। गांव की महिलाएं तो पहनती थी, लेकिन आसपास के गांव की महिलाएं भी उनसे चूड़ियाँ लेके जाती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता। उसकी एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि वह चूड़ियों के कभी भी पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का यह तरीका था, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय मतलब चीज़ वस्तु के बदले वस्तु देता था, वह चूड़ी देता था तो उसके बदले कुछ अनाज ले लेता था। ठीक है, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, स्वभाव उसका बहुत ही शांत और सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता, बहुत ही सीधा था, शांत स्वभाव, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर वह बहुत जिद करता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर वह सारी कसर निकाल लेता था कि कभी भी ऐसे वह चूड़ियाँ लेके जाए, जीवन भर के लिए उसे मुफ्त में लेके जाओ, लेकिन शादी के टाइम वो उसे दुगुने पैसे लेता था, पूरी कसर जो है वो उसमें शादी में निकाल देता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही तो होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसके मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे मतलब इतना टाइम लग गया कि वो माना ही नहीं था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। विवाह के अवसर पर क्या है, जो उसको पैसे भी मिलते थे, उसकी घरवाली के लिए उसको कपड़े भी मिलते थे, अनाज भी मिलता था, उसके खुद के लिए ऐसे पहनने के लिए पगड़ी और कुछ रुपये भी उसको अलग से मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। उसे किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम थी अब तो वो क्या थी, कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूड़ उठता। कूड़ मतलब उसे बहुत गुस्सा आता ऐसे, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। और किसी के हाथ में ऐसे कांच की चूड़ियाँ देखता तो उसे गुस्सा आता, और कभी कभार तो वो बोल भी देता 2-4 बातें। मुझसे तो वो घंटे बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की तो बात ही और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मूंछ ना आ जाए। शहर में क्या होता है, लाख की चूड़ियाँ कम पहनते हैं,
वहाँ कांच की प्लास्टिक की ऐसे चूड़ियाँ पहनते हैं, तो उसको ऐसे शहर के लोगों से चिढ़ होती थी। तो वो कहता है कि शहर की बात तो कुछ अलग ही है। औरतें अपने पतियों के हाथ में ऐसे हाथ डाल के वहाँ पे सड़कों पे घूमती है, उनकी कलाइयाँ ऐसे नाजुक होती है, तो ला के चूड़ियाँ थोड़ी कठोर होती है, तो उससे कहीं उनको मोच ना आ जाए, चोट ना लग जाए। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।